अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हीना फरीदी है और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या ऐसी एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस और कम हो जाते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो के कमेंट के नीचे ये रीड करती हूँ और जब पर्सनली पेशेंट से भी बात करती हूँ तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि जब हमारी पीरियड की डेट मिस हो जाती है उसके बाद में हम क्या कांटेक्ट में रह सकते हैं और कांटेक्ट में रहने से क्या हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी का आपको क्लियर एग्जांपल आंसर आपको देने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी नॉलेजेबल है जो लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो पूरे महीने में आपको स्पेसिफिकली पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में ट्राई करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इन बीच के 10 दिनों में आपका ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। पूरे महीने में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पीरियड का जो मिडल पार्ट होता है इसी में आपके गर्भधारण करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि महिलाओं में एक प्रक्रिया होती है एग बनने की और रप्चर होने की, तो उसको आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। वो अपने ही साइकिल से एग बनाएगा और रप्चर करेगा। तो जिन महिलाओं का साइकिल रेगुलर बेसिस पे आता है 28 से 30 डेज के अंदर, तो ऐसी महिलाओं में बीच के जो 10 दिन होते हैं, जो मिडल पार्ट होता है आपके साइकिल का, उसमें आपके गर्भ धारण करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों पे आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन यानी कि महिलाओं में से एग रप्चर होना और फेलोपियन ट्यूब में आना। ये एग रप्चर जब होता है तो 24 घंटे तक जीवित रहता है और एक स्पर्म का इंतज़ार करता है ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। ये तो बात हो गई कि आपको इस तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, लेकिन जब आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि आपके दिन ऊपर चढ़ गए हैं, तो ऐसे में आप क्या प्रिकॉशन लेंगे? क्या आप रिलेशन में रह सकते हैं? वैसे तो साइंटिफिकली आप रिलेशन में रह सकते हैं, आपके बेबी को कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ, उनके सिम्टम्स को नोटिस करती हूँ, तो मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस की है कि जब उनकी ड्यू डेट मिस हो जाती है, पीरियड की डेट मिस हो जाती है, उसके बाद अगर वो कांटेक्ट में रहते हैं तो नेक्स्ट डे ही उनको पीरियड आ जाता है। तो ऐसा पेशेंट्स के साथ में होता है और मैंने ये काफ़ी बार नोटिस किया है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वैसे अगर आपकी अगर पीरियड की डेट मिस हो जाती है तो कांटेक्ट में रहने से और इंटरकोर्स करने से कोई हार्म नहीं है और इसके पीछे साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है, अनलेस अगर आपकी डॉक्टर आपको मना करते हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग हो सकती है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो उन दिनों के लिए आप मेरी तरफ से आपको एक सलाह है कि आप कॉन्टैक्ट में ना रहे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा है, कांटेक्ट में रहने के नेक्स्ट डे ही उनको पीरियड आ जाता है। तो आप थोड़े दिनों के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं, यह आपके लिए और आपके बेबी के लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछ सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, उनकी कंडीशंस अलग होती है, तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स करने के लिए मना किया जाए, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि पीरियड की डेट मिस होने के बाद क्या हम सारे टिप्स को कंटिन्यू रख सकते हैं? तो आपको सारे टिप्स को बंद कर देना है। जब आपकी डेट मिस हो जाती है, सारे टिप्स को आपको बंद करना है, एक हफ्ते का आपको गैप लेना है, वेट करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन आपको डॉक्टर देंगे, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट 9 मंथ। आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जब आपकी डेट मिस हो जाती है तो ये एक मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए, आप लोग कांटेक्ट में मत रहे, एटलीस्ट 1 वीक का वेट करें और प्रेगनेंसी टेस्ट करें, और इस 1 वीक में कॉन्टैक्ट में मत रहिए।
फ्रेंड आपको एक बात ये भी बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है, क्योंकि हम जब डे टू डे लाइफ में बात करते हैं पेशेंट से तब हमें पता चलता है कि वो ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं और ऐसा करने से, प्रिकॉशंस थोड़े लेने से उनको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी रुक रही है। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि जब पीरियड की डेट मिस हो जाती है तब आप भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात से एग्री हो और बहुत से लोग नहीं भी हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी साथ एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं। आई होप वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, काफ़ी साल से ट्राई कर रहे हैं, IUI IVF भी अगर आपका फेल हो गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और आप सिंपली व्हाट्सएप करिए आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनदर डिटेल वीडियो टेस्टिमनी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिए, इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँगी।